बच्चों, हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हाय चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी ग्रामर, व्याकरण। इन दिस आवर टॉपिक इज वर्ण, लेटर्स एंड शब्द, वर्ड्स। कैन यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? नो, we can't. Now, hi children, how are you? Now you can understand easily because I used language. What is language? The system of sounds and writing that human beings use to express their thoughts, ideas and feeling is called language. अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रयोग में आती है, मौखिक ओरल और लिखित रिटन। व्याकरण किसे कहते हैं? वह व्यवस्था जो भाषा के निश्चित उच्चारण और निश्चित लेखन में बांधी है, उसे व्याकरण कहते हैं। इस व्याकरण में आज हम देखने जा रहे हैं वर्ण, लेटर्स। ग्रामर इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। व्हाट इज ग्रामर? द सिस्टम बाइंड्स द लैंग्वेज इन डेफिनेट प्रोनंसिएशन एंड डेफिनेट राइटिंग, इट इज कॉल्ड ग्रामर। वर्ण, लेटर, एक छोटी सी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ए स्मॉलेस्ट एंड सिंगल यूनिट इज कॉल्ड लेटर। ये एक स्वतंत्र इकाई है, इट इज एन इंडिपेंडेंट लेटर। हम इनको तोड़ नहीं सकते, वी कांट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, उच्चारण प्रोनंसिएशन, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। बेस्ड ऑन प्रोनंसिएशन इन हिंदी 45 लेटर्स आर देयर, 10 वॉवल्स एंड 35 कॉन्सोनेंट्स। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देर आर 52 लेटर्स बेस्ड ऑन राइटिंग, 13 वोवल्स, 35 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 कॉम्पाउंड कॉन्सोनेंट्स। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों की माला वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वोवल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर वोवल्स जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। वोवल्स आर डिपेंडेंट ऑन साउंड्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम माउथ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, लाइक आ, ओ, ई, ए, औ, जैसे आ से अह, अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ए, ओ, ओ, अम, आ। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। लेटर्स स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वोवल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, जैसे क से ह, क, ख, ग, घ,
ng, ch, ch, j, jh, ny, t, th, d, dh, ण, t, th, d, dh, n, p, ph, b, bh, m, y, r, l, v, sh, sh, s, h. संयुक्त व्यंजन कॉम्पाउंड कॉन्सोनेंट्स, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड कॉम्पाउंड कॉन्सोनेंट्स. क प्लस श, क्ष, इत, त प्लस र, त्र, झ प्लस ञ, ज्ञ, श प्लस र, स्र. स्वरों के मात्रा चिन्ह, वोवल साइन. आ की मात्रा, वन स्टैंडिंग लाइन नेक्स्ट टू द लेटर. छोटी ई की मात्रा, लेफ्ट साइड कर्व. बड़ी ई की मात्रा, राइट साइड कर्व. छोटी ऊ की मात्रा, लाइक रिवर्स सी, बॉटम ऑफ द लेटर. बड़ी ऊ की मात्रा, लाइक स्मॉल ए, बॉटम ऑफ द लेटर. रू की मात्रा, लाइक सी, बॉटम ऑफ द लेटर. ए की मात्रा, सिंगल हॉर्न on the top of the letter. A ki matra, A ki matra, double horn on the top of the letter. O ki matra, adding single line with one horn. O ki matra, adding single line with two horns. Ang ki matra, dot on the top of the letter. Ah ki matra, two dots next to the letter. Now let us see the pronunciation. A, a ki matra, kala. E ki matra, choti e ki matra, kiran. बड़ी ई की मात्रा, का ली, लॉन्ग साउंड काली. छोटी ऊ की मात्रा, सुन्ना. बड़ी ऊ की मात्रा, ऊंट, लिटिल लॉन्ग साउंड. ए की मात्रा, पेन. ए की मात्रा, केला. ओ की मात्रा, कोमल. ओ की मात्रा, कौशल. अंग, अंग की मात्रा, अंगूर. अह, अथ. What did you learn in this class? We learned वर्ण, in the स्वर, व्यंजन और मात्राएं. Now, using all this, we are going to make words. Shabd, word. How can we make words? Yes, with the help of letters, we can form a word. But it should be meaningful. Nishchit artha ko prakat karne wale varna samuh ko shabd kehte hain. R, t, t. मा, ला, ग, म, लागम, ला,
ग म। कैन यू फाइंड एनी मीनिंग फॉर दिस वर्ड्स? यू कांट, बिकॉज दीज वर्ड्स आर मीनिंगलेस। इफ यू रीअरेंज दीज लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर वी कैन रीड द मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक दिस। टमाटर टोमेटो, गमला गमला, फ्लावर पॉट। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दो अक्षर वाले शब्द, टू लेटर वर्ड्स, व न वन, ग र गर, आ म आम, ग ज गज। तीन अक्षर वाले शब्द, थ्री लेटर वर्ड, क ल म कलम, ग ग न गगन, श ह द शहद हनी। चार अक्षर वाले शब्द, अ द र क अदरक, क ट ह ल कटहल, अ ज ग र अजगर अजगर पाइथन। अब मात्राएं के साथ कुछ शब्द, मो र मोर, की छोटी ई की मात्रा, ता ब किताब, ब गी छोटी ई की मात्रा, या बगिया बगिया गार्डन, प री छोटी ई की मात्रा, वा र परिवार परिवार फैमिली। चिल्ड्रन लाइक दिस वी कैन मेक मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स। नाउ लेट अस सी एनआई पार्ट। वर्ण वर्ब, छोटी से छोटी ध्वनि जिनके इकट्ठा ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर, जिस वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप के बिना किसी रुकावट के होते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से ह। अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। शब्द, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसा राम, गर, पेड़, काला। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके इकट्ठे ना हो सके
इसे वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके इकट्ठे ना हो सके इसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्द निर्माण की लघुतम इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वे स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होते हैं उसे स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ, अं, अह। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क से ह। अक्षर अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। शब्द शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, घर, पेड़, काला। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ग्रामर पार्ट। धन्यवाद बच्चों। वर्ण एवं मात्राएं, अल्फाबेट एंड वोवल मार्क्स। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने तथा बोलने के लिए अलग अलग वर्ण होते हैं। ध्वनि के बोले और लिखे हुए रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, आदि। बच्चों, वर्ण को जब हम निश्चित क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उनके सम्मिलित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के भेद स्वर वोवेल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर वोवेल्स जिन वर्णों का उच्चारण मुख से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की विशेषता होती है कि इनको बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, अयोगवाहा। स्वर एवं व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन सूत्र क, च, ट, ट, प। वर्ग क, वर्ग क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ,
य ट वर्ग ट ठ ड ढ ण त वर्ग त थ द ध न प वर्ग प फ ब भ म अंतस्थ व्यंजन य र ल व ऊष्म व्यंजन श ष स ह संयुक्त व्यंजन क्ष क ष अ त्र त र अ ज्ञ ज य अ श्र श र अ मात्राएं वोवल मार्क्स स्वर अ मात्रा कोई नहीं व्यंजन और स्वर घ अ घ शब्द घर चित्र स्वर आ मात्रा व्यंजन और स्वर द आ दा शब्द दाल चित्र स्वर ई मात्रा व्यंजन और स्वर ह ई ही शब्द हिरन चित्र स्वर ई मात्रा व्यंजन और स्वर स ई सी शब्द सीप चित्र स्वर उ मात्रा व्यंजन और स्वर प उ पू शब्द पुल चित्र स्वर उ मात्रा व्यंजन और स्वर फ ऊ फू शब्द फूल चित्र स्वर री मात्रा व्यंजन और स्वर क री क्री शब्द कृष्ण चित्र स्वर ए मात्रा व्यंजन और स्वर म ए मे शब्द मेला चित्र स्वर ए मात्रा व्यंजन और स्वर ब ए बे शब्द बेल चित्र स्वर ओ मात्रा व्यंजन और स्वर म ओ मो शब्द मोर चित्र स्वर ओ मात्रा व्यंजन और स्वर न ओ नो शब्द नौकर चित्र आओ जाने मात्राओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी आ ई उ ओ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं राम गीत चोर बौना अ की कोई मात्रा नहीं होती है अनार अजगर ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है किसान लिखना ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं केला थैला ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं पुस्तक पुल पूड़ी